और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस बीच बड़ी खबर मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर 5 दिसंबर को मतदान होंगे। मुलायम सिंह यादव की लंबी बीमारी के बाद में पिछले महीने निधन हो गया था और उनके बाद उनकी पुत्र वधु डिंपल यादव को उसी सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग कराने का ऐलान किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने यूपी की रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना को रोक दिया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर मुलायम सिंह की सीट से मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव डिंपल यादव लड़ेंगी। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी संसदीय सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी है। और बता दें कि 2 बार वो कन्नौज से सांसद भी रह चुकी है। 2019 में वो कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव हार गई थी और उसके बाद में दोबारा उनको मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे शुभकांत श्रीवास्तव जी, हमारे साथ में जुड़ गए। शुभकांत, डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वो 2 बार कन्नौज से सांसद भी रह चुकी है, लेकिन इस बार दोबारा जो नेताजी की सीट है वो क्या समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, क्या कुछ होगा, क्या कुछ अपडेट है शुभकांत जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल आजमगढ़ की सीट जी को ले लीजिए। आजमगढ़ की सीट जब खाली हुई तो समाजवादी पार्टी के कुनबे से ही धर्मेंद्र यादव को उतारा गया जी। ठीक उसी के तर्ज पे मैनपुरी की जो सीट थी उसके लिए काफी दिनों से गहमागहमी चल रही थी जी। अंत में डिंपल यादव की जो राजनीतिक छवि है वो कहीं न कहीं जनता के बीच में एक अच्छी छवि मानी जाती है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि डिंपल यादव का ही चेहरा वहाँ पे जी बैठाया जाए जी। बिल्कुल, आज काफी नेता जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आए और एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नजर आए, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो है ये दिखाने की कोशिश कर रही है डिंपल यादव को वहाँ कि एक जो नेताजी की जो छवि थी एक सेलिब्रिटी के साथ साथ में डिंपल जी की जो छवि है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के ये अपनी जीत पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुभकांत आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर सपा ने मुलायम सिंह यादव की सीट पर अपनी ही पुत्र वधु यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की जो पत्नी है डिंपल यादव उनको उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि 5 दिसंबर को मतदान होने हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है।